हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी व्लॉगिंग करूँगा। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, तो व्लॉगिंग की शुरुआत में मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम विकास सिंह है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पास, मेरा घर जहाँ बबूरी के पास पड़ता है, जो कि बनारस के पास है। और मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बता दूँ कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जो मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। और मैं 13 साल से जॉब कर रहा हूँ। फाइनली मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, जिसके वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ रही है। तो नौकरी छोड़ने की वजह से मैंने आखिर फाइनलाइज कर लिया कि मैं व्लॉगिंग करूँगा। जैसा कि मैंने फाइनलाइज कर लिया कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, तो मैं यहाँ से 15 दिन के बाद मैं घर जाने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं विजयवाड़ा के कोंडापल्ली में हूँ, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से 15 दिन बाद जब मैं जाऊँगा, तो आप लोगों को मैं विजयवाड़ा टू वाराणसी का ट्रेवल व्लॉग आएगा, जो कि मैं वहाँ से पहुँचने के बाद आप लोग को बना के दूंगा व्लॉग। सो जैसे कि फाइनलाइज हो गया कि व्लॉगिंग करूँगा, तो मैं अभी आप लोग को यहाँ से आज का पहला व्लॉग देने वाला हूँ। मैं यहाँ से चलूँगा विजयवाड़ा कोंडापल्ली फोर्ट। तो यहाँ से अब हम थोड़ी देर में विजयवाड़ा कोंडापल्ली फोर्ट निकलेंगे, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे नीचे लिख के जरूर बताइए क्या दिक्कत है, मैं उसे अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर वीडियोस। थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग कोंडापल्ली से अभी निकल चुके हैं कोंडापल्ली फोर्ट के लिए। कोंडापल्ली फोर्ट जाने के लिए पहले हम लोग को इब्राहिमपट्टनम जाना पड़ेगा। इब्राहिमपट्टनम जाके फिर इब्राहिमपट्टनम से हम लोग को फिर फोर्ट जाने के लिए कम से कम 13 किलोमीटर आगे की जर्नी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आपको दूरदर्शन का टावर दिख रहा है। दूरदर्शन का जो टावर है, इसके पीछे आपका कोंडापल्ली फोर्ट है, जो साइड में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी के पीछे कोंडापल्ली फोर्ट है। मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि आई हैव कंप्लीटेड माय 30,000 किलोमीटर जर्नी ऑफ माय हुंडई सेंट्रो। लास्ट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू शो यू, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे सेंट्रो का 30,078 किलोमीटर हो चुका है, तो वही 30,000 किलोमीटर का जर्नी का फोटोज मैंने आप लोग को डाला था गाड़ी का, कि जो जो हमने ट्रेवल किया था वो आपको हमने उसके फोटोशूट्स मैंने आपको डाली थी, क्योंकि हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं की थी, ना ही हमारा कोई ऐसा प्लान था वीडियो यूट्यूबर बनने का या यूट्यूब में वीडियोस डालने का। सो जो मेरे पास था वो मैंने आप सब कलेक्टिवली कलेक्ट करके आप लोग को डाला, जिससे आप लोग को एक मेरी हुंडई सेंट्रो का एक रिव्यू मिल पाया कि ऑल 30,000 किलोमीटर हाउ आई वाज ट्रेवल्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ जो 30,000 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, जो कि मैं लगभग 2.5 साल लग गया मेरे को ट्रैवलिंग करने में। 2.5 साल में मैंने उसको ट्रैवल किया अपनी जॉब के साथ। मैं जॉब करते रहा और साथ में मेरी ट्रैवलिंग भी चलती रही। और आगे अब आपको मेरे साथ हुंडई सेंट्रो भी साथ में दिखेगी हमेशा ट्रैवलिंग के टाइम, जो कि हमारे व्लॉग्स का नाम है एवीसी व्लॉग्स, जो कि एवीसी कार व्लॉग्स है। एवीसी कार व्लॉग्स हमारी जो एवीसी दिखा रहे हैं, ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, दिख रहे हैं ना, जो कि सर मैंने आप लोग को बताया मैं हमारी हुंडई सेंट्रो 30,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं हम, उसी का मैंने आपको भी मीटर शो किया। 30,079 किलोमीटर हमने ट्रेवल कर चुके हैं इस गाड़ी को। हमने लगभग 2.5 साल मैंने ट्रेवलिंग की इस गाड़ी से, जो आपको मैंने वीडियो शूट किया था लास्ट टाइम, मैंने फोटो शूट डाला था विशाखापट्टनम का, आर के बीच का, और आपको वैष्णो देवी का, और जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको उसमें वीडियो डाले थे जो मैंने 2.5 साल में लगभग इस गाड़ी से ट्रेवल किए हैं, वो मैंने आपको डाला था। क्योंकि मेरे पास तो और इसका कोई वीडियोस नहीं थे, तो मैंने आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वो एक वीडियो फोटोशूट आपको डाला था, जिससे आप लोग को एक नॉलेज मिल पाया कि 2.5 साल मैंने इससे ट्रेवल किया 30,000 किलोमीटर।
इसके रिव्यूज भी मैं आप लोग को आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि 30,000 किलोमीटर मैंने कैसे इसके साथ ट्रेवल किया, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए इसके साथ। जैसे कि अभी हम कोंडापल्ली फोर्ट देखने के लिए जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जैसे मैं आपको, हमारे चैनल का नाम है एबीसी कार व्लॉग्स, तो एबीसी कार क्या है, एबीसी कार फैमिली है, एबीसी कार फैमिली के बारे में आपको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा एबीसी क्या है और एबीसी कार व्लॉग्स क्या है। तो हमने इसका नाम एबीसी कार व्लॉग्स क्यों रखा है वो आके आपको हमको बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सीधे कोंडापल्ली फोर्ट। हम पहुंचने वाले हैं इब्राहिमपट्टनम, हम आ चुके हैं इब्राहिमपट्टनम सर्किल में। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, इब्राहिमपट्टनम सर्किल आ चुका है। यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है तो आप विजयवाड़ा जा सकते हैं, आप राइट जाएंगे तो आप हैदराबाद जाएंगे। तो कोंडापल्ली फोर्ट जाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा हैदराबाद रोड पे, हैदराबाद रोड से हम लोग राइट टर्न लेंगे तो हम लोग कोंडापल्ली फोर्ट के लिए जा सकते हैं। फोर्ट का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ सुमित है, चीना है, हम तीनों फ्रेंड्स आपके साथ इस वीडियो में अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम और हम लोग इस फोर्ट का रिव्यू देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कार पीछे खड़ी है हुंडई सेंट्रो, जिससे हम लोग इस फोर्ट देखने आए हैं, और साथ में चीना बाइक से है हमारे साथ साथ जो रास्ता दिखा रहा है हम लोगों को। अब चलते हैं हम लोग फोर्ट का रिव्यू करने। आप देख सकते हैं हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। डिटेल्स मालूम है आपको किस चीज का? तो डिटेल्स समझाइए, यह है इसका लेआउट, यह कैसा है। कोंडापल्ली का जो मेन फोर्ट का आपका मेन एंट्रेंस है वह यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है इसको, और कोंडापल्ली फोर्ट का व्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं इसको दिखाया गया है। और ये टॉयज का डिस्प्ले है म्यूजियम का यहाँ पे। ये थोड़ा आप देख सकते हैं म्यूजियम के तरफ पुरानी फोटोग्राफ्स को स्टोर करके रखा गया है, जिस टाइम इस किले पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका मेंटेनेंस स्टार्ट किया था, ये उस समय की फोटोज हैं जिसको स्टोर करके रखा गया है। ये कोंडापल्ली से आपका टॉप से आप पूरा कोंडापल्ली का व्यू यहाँ देख सकते हैं जो लिया गया है। ये फोर्ट का जो वाटर स्टोरेज एरिया आपको हमने दिखाया था, ये वाटर स्टोरेज एरिया है आपका, काफी वास्ट एरिया है जहाँ पे वाटर स्टोरेज करके रखा जाता था। आप देख सकते हैं इधर से काफी वास्ट एरिया है, ओपन हॉल है। ये आपको वाटर स्टोरेज एरिया जो आपको उस टाइम दिखा रहे थे स्टोरेज एरिया है, पहले यहाँ पे वाटर का स्टोरेज किया जाता था। आज से 500-600 साल पहले पानी की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो इसी पानी को स्टोर करके रखा जाता था और इनको यूज किया जाता था यहाँ पे। ये पूरा एरिया लेक भर जाता था, ये ऊपर तक काफ़ी एरिया वाटर फिलअप हो जाता था और इसको ये लोग स्टोर करके रख के पूरे साल के लिए यूज़ करते थे।
हम चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जो बैक साइड में आपको जेल है और आपको पीछे बैक साइड में आर्मरी डिवीजन है, उधर जाएंगे ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ अब जाएंगे, किले के टॉप पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इसकी जुड़ाई है वो पता नहीं कौन से मसाले से की गई है, पहले जमाने में तो सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, आज तक जुड़ाई वैसी ही वैसी देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ढांचा वैसी ही पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस पे डिजाइनिंग किया गया है, ये डिजाइन भी पुराने जमाने का है, आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। इसने इस किले ने बहुत से युद्ध झेले हैं, मुगलों से युद्ध हुआ है इस किले पे, इस पे अंग्रेजों ने अंग्रेजों से इस पे लड़ाई हुई है काफी। इस किले के जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये अवशेष इसीलिए स्थिति में है क्योंकि इस पे इस किले ने बहुत युद्ध देखे हैं, फिर भी ये काफी अच्छी स्थिति में आज भी खड़ा पड़ा है यहाँ पे। ये अभी बंद करके रखा हुआ गया है, ये आपको जो प्रिजन है, एक प्रिजन जो है आप देख सकते हैं, दो प्रिजन हैं यहाँ पे, एक प्रिजन रॉयल प्रिजन है, एक लेबर प्रिजन है जिसमें आम कैदियों को रखा जाता था, और एक राजाओं के लिए एक बनाया गया था। इसके पीछे आपको आर्मरी डिवीजन है जहाँ पे तोपखाना हुआ करता था, और आप देख सकते हैं ऊपर एक चेक पोस्ट आपको दिखेगा, ऊपर चेक पॉइंट है जहाँ से इसकी गार्डिंग की जाती थी, किला का पॉइंट बना हुआ है। अभी हम इसके बैक साइड में जाएंगे, हम बैक साइड में जाएंगे इसके, यहाँ से आपको पूरे कोंडापल्ली का व्यू मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, छुट्टी की वजह से थोड़े टूरिस्ट कम हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किले की चेक पॉइंट वॉल्स आपको यहाँ से दिखाई देती हैं, जो आपकी बैरिगेशन करके रखा हुआ है, वो टॉप पॉइंट से लेके किले की बैरिगेटेड वॉल्स हैं वो, जो पुराने जमाने से ही पड़ी हुई हैं। यहाँ से आपको पूरे कोटनापल्ली का व्यू दिखाई देगा, फ्रेंड सिक्योरिटी रीजन के लिए हमने मास्क लगाया हुआ है, और जैसे कि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।